जय रे आंटी देखने वाले सात दर्शकों विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो भाई देखिए दोस्तों, आज आपके बीच में एक बहुत ही दुखद की खबर लेके आए हैं दोस्तों। खबर क्या आएगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाई बता जा रहा है कि जो गांव बहादुर के पास में है भाई, एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। जो हादसे में है भाई, जो मैं आपको बता दूँ, सोनू ने अपनी जान गंवा दी है। जो सोनू वही रहने वाला था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, गांव खंडरा का रहने वाला था। और दोस्तों जो गांव खंडरा हो भाई, मतलब लोटा के पास में गांव पड़ता है दोस्तों। आप तस्वीर के माध्यम से ऐसे देख सकते हैं कि भाई जो युवक है भाई, इस मामले को लेकर के है पूरी जानकारी है भाई दे रहे हैं। तो अब आगे आप सुनिएगा क्या कुछ है भाई इस मामले को लेकर कह रहे हैं। सोनू की सिस्टर मलार गांव में ब्याही है जी, और ये दिन में गांव में आया था अपनी सिस्टर से, बुआ से मिलके। ये अपने गांव खंदरा मतरोडा में जा रहा था, और जैसे ये भादरगढ़ आया तो भादरगढ़ इसके ताऊ मासिंग जी मिल गए इन्हें, तो उनको देख के इन्हें बाइक रोक ली साइड में। और जैसे ही 2 मिनट हुई थी इन्हें बात करते हुए, एक तेज़ रफ्तार से कंटेनर आता है टायरों का भरा हुआ, वो उनको रोंदता हुआ, सोनू को रोंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। खड़ंग देसी की आवाज़ सुन के ड्राइवर ने आगे थोड़ा जाके गाड़ी रोकी, नीचे उतर के आके देखा तो उसने मामला ज़्यादा गंभीर दिखाई दिया। गंभीर दिखाई देने से वो घबरा के चुपक्के से गाड़ी को लेके भाग गया। वहाँ कुछ राहगीरों ने गाड़ी को जाते हुए देखा तो उसके गाड़ी का नंबर नोट करके 112 पे कॉल की। 112 ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौका पे पहुँची। वहाँ गाड़ी को न देखकर उन्होंने VT पिल्लूखेड़ा की। पिल्लूखेड़ा जामणी थाना पे नाका लगाया गया, वहाँ पे कंटेनर को बरामद कर लिया गया। कंटेनर और ड्राइवर थाना सदर स्पीदों में एंड ओवर कर दिए गए। तो उन्होंने मान लिया कंटेनर वाले ने, उन्होंने किया है काम। कंटेनर वाला तो जी रात हमारे सामने जो आईओ साहब पूछ रहे थे, वो कह रहे थे मेरे को तो मालूम नहीं। जब उसको मालूम नहीं था तो गाड़ी उसने रोकी कैसे थी, तो मालूम था तभी तो उसने गाड़ी रोकी है। तो गाड़ी पर कुछ ऐसे कुछ सबूत मिले हो, कोई निशान वगैरह? गाड़ी पे खून के और जो उसके अंदर से उल्टी प्रेशर से निकली है वो गाड़ी के ऊपर लगे हुए हैं निशान बिल्कुल। तो आपको लगता है गाड़ी वही थी? गाड़ी बिल्कुल 100% वही थी जी। हाँ जी। तो जो परिवार का जो मरने वाला था, इनके पीछे क्या? परिवार का मरने वाला इकलौता 3 बहनों पे लड़का था। इसके पिताजी भी मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, और 3 बहन हैं परिवार में, एक छोटा बच्चा है, एक छोटी लड़की है। उनका पूरा भरण पोषण करने के लिए वही एक काम करता था। यानी कि पिता का साया भी, पिता का भी साया, माता भी उसकी पहले से मरी हुई है, और पिता भी ना के बराबर है। तो रिफाइनरी पानीपत जाया करता, काम मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। तो पोस्टमार्टम हो चुका है? अभी पोस्टमार्टम हो चुका है जी। दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? दाह संस्कार गांव खंडरा में किया जाएगा जी।